हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही अट्रैक्टिव रेमेडी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में एड़ियों का फटना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारी सूजन तक आ जाती है पैरों में और असहनीय दर्द हमें सहना पड़ता है। तो ये दोस्तों जानते हैं कि इस नुस्खे के द्वारा आप बड़ी ही आसानी से केवल 2 से 3 बार यूज करते ही आप अपने पैरों की फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हो। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस नुस्खे को तैयार करने के लिए जो अपना पहला इंग्रेडिएंट होगा वो है वैसलीन। वैसलीन में ऐसी कई प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी फटी हुई एड़ियों की या फिर फटे हुई स्किन को फिर से रिपेयरिंग करने का काम करता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर वैसलीन की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसलीन के साथ में आपको एक और इंग्रेडिएंट यूज करना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको यहाँ पर 1 टीस्पून वैसलीन लेना होगा, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। 1 टीस्पून वैसलीन के बाद में फ्रेंड्स, आपको जो अपना दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। आपको यहाँ पर लेमन यूज करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर लेमन की केवल 5 से 6 बूंदें ही यूज करनी होगी, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को फ्रेंड्स आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इस नुस्खे को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये अपना नुस्खा बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको सोते समय अपने पैरों की अगर जहां पर अगर आपके यहां पर फटी हुई एड़ियां हैं, तो आप इस प्रकार से उन एड़ियों में इस वैसलीन के जो अपने घरेलू नुस्खा बनाए इसको आप अप्लाई करें। इस प्रकार से अप्लाई करके आप बस इसको इसी प्रकार से छोड़ दें। और दोस्तों, अगर आप इसको रात के समय में यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसे लगाने के बाद में आप अपने पैरों पर सॉक्स पहन लीजिए और रात भर सो जाइए। दोस्तों, आप देखोगे कि 1 से 2 टाइम यूज करने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।